अभी दिविशा को एलोवेरा लगाया जा रहा है माथा में, और हमको भी अभी मेहंदी लगाएगी संतोषी। तो संतोषी अभी मेहंदी लगाने के लिए तैयार हो रही है मेरा, और बहुत दिन के बाद आज हम मेहंदी लगा रहे हैं अपने माथा में। मेरा मेहंदी लग गया है माथा में, और कम से कम कितना, 1 से 2 घंटा रखना है संतोषी ना? रखने से अच्छा होता है। कम से कम कितना देर? 1 घंटा तो कम से कम रखिए। 1 घंटा अभी माथा में रखना होगा, और देखते हैं कि क्या होता है। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जो चूल है थोड़ा बहुत झड़ने लगा था, तो संतोषी बोली कि मेहंदी लगाइए, फायदा करेगा। चलिए जी, मेहंदी लगाने से 1 घंटा हो गया है, अब जाके स्नान कर लेते हैं। मेरा नहाना धोने के बाद यहाँ बाबू लोग का देखिए क्या बदमाशी चल रहा है। आज दीवी को नहलाया नहीं गया है क्योंकि जो है उसको सर्दी लग गया है, पूरा नाक चूड़ा है, और ये जो बदमाश मेरे साथ नहा लिया है। तो बस अभी खाना पीना खा के इवनिंग ड्यूटी हम निकलेंगे। खाना बनी है संतोषी? क्या बनाया? और वाला आलू का सब्जी भात। पानी भी ख़त्म हो गया, बस इतना सा ही पानी बचा हुआ है। पानी वाला को हम सुबह ही बोले थे, लेकिन अभी 12:30 बज रहा है, अभी तक ला के नहीं दिया है। तो ये है आलू परवल की सब्जी, और साथ में अंडा भी है, संतोषी बताई नहीं थी क्या संतोषी? और साथ में अभी सब टीवी लगा हुआ है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं। तो मेरा खाना हो गया है, और संतोषी यहाँ पे मेरे लिए क्या हुआ, क्या हुआ मधुमक्खी? तो यहाँ पे दही जो घर में जमाया गया है, खाना खाने के बाद खाना चाहिए। 3 hours later तो अभी मेरा इवनिंग ड्यूटी चल रहा है, और अभी बज रहा है, कितने बज रहा है, 17:42 यानी कि 5:45 बज रहा है। आज मेरा सर बहुत ज़्यादा एकदम क्या करें दर्द कर रहा है। शाम लगभग 7 बजे से ही मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, और अभी भी 1 घंटा का ड्यूटी बाकी है। कुछ काम भी अभी बाकी है, अभी कर रहे हैं काम कंप्यूटर पे, तो इसीलिए लग रहा है कि आज 2-3 दिन से सर पे तेल भी नहीं लगा है। और देखते हैं, घर में जाके होगा तो संतोषी को बोलेंगे तेल मालिश कर देने के लिए। हम घर पहुंच गए हैं, और सबसे पहले तो हम अपना बेटी को गोदी लेंगे। अभी तुम याद कर रही थी बाबा को, याद कर रही थी? इसका शरीर गर्म लग रहा है संतोषी, संतोषी इसका शरीर थोड़ा गर्म लग रहा है अभी, बुखार हो गया था ना, सर्दी हो गया बाबू को। तो ये अभी हमको जो है थोड़ा देर पहले फ़ोन लगा दी थी, और हम हेलो हेलो कर रहे हैं, इधर से बोल रही है, ऐसे ही ये जो है सबको इधर उधर फ़ोन लगाती रहती है। फ़ोन लगा दी थी बाबा को, बाबा से बात करने का मन कर रहा था। और इसका तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है, सर्दी लग गया है, गिर गया। अच्छा देते उठा करके, अब वो मेरा गोदी से नीचे उतरना ही नहीं चाह रही है, तो अभी तक हम कपड़ा चेंज नहीं कर पाए हैं। और इधर संतोषी क्या बना रही है? इधर संतोषी प्याज काट रही है, क्या बनेगा संतोषी? पकौड़ी। तो बेसन का पकौड़ी बनेगा, क्योंकि दिन का क्या बोल रही है, तो दिन का सब्जी था तो बेसन का पकौड़ी बन जाएगा, अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पकौड़ी भी जो है तैयार हो रहा है। एक्चुअली घर में जो है हम सभी लोगों का जो है तबीयत ख़राब हो गया है, संतोषी को भी सर्दी लग गया है, हमको भी सर्दी लगने वाला है, इसलिए सर दर्द कर रहा होगा। शिवम और दिविशा को भी सर्दी लग गया है, दिविशा को तो आज सुबह बुखार भी था, उसको दवाई खिलाया गया है, तो अभी थोड़ा बहुत ठीक है। आए थे तो थोड़ा सा शरीर गर्म था, सुबह से अभी सही था, तो शायद अभी मौसम चल रहा है तबीयत ख़राब होने का, इसीलिए तबीयत ख़राब हो रहा है हम सभी लोगों का। और थोड़ा सा सर में अगर तेल मालिश भी कर लेंगे, क्योंकि फिर कल से मॉर्निंग ड्यूटी जाना है, और मॉर्निंग ड्यूटी जाने के कारण जो है हम वीडियो बना नहीं पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कल जो है संतोषी वीडियो बनाए। संतोषी कल तुम वीडियो बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे। तो संतोषी के पास जो मोबाइल है वो तो देखते उससे कैसा वीडियो बनता है, तो कल ये जो भी दिन भर करेगी वो शूट करेगी, देखते हैं कि क्या कैसा वीडियो बनाती है, तो फिर उसको हम इसमें एडिट करके डालेंगे। दोनों का खाना हो गया है, और अभी संतोषी मेरा माथा में तेल लगा रही है। और शिवम अभी तक सोया नहीं है, देखिए पीछे में कैसे कर रहा है।
क्या बात है, ऐसे तो सो जाता था ये लोग, आज दोनों क्यों नहीं सोया है? नहीं सोया है ना, कल ऑनलाइन क्लास है, कल सुबह भोरे उठना होगा, 8 बजे उठने से नहीं होगा। सो जा शिवम, कल से तुम्हारा फिर क्लास स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली में स्कूल स्टार्ट होने वाला था इसका, कल कितना 17 तारीख है ना, तो 17 तारीख को स्कूल खुलने वाला था, लेकिन शिवम का स्कूल अभी 27 तारीख तक भी नहीं खुलेगा। और दिविशा भी यहाँ पे बैठी हुई है मेरे बगल में, क्योंकि यहाँ वेस्ट बंगाल में कुछ गर्मी छुट्टी लेकर के उसको एक्सटेंड किया गया है, इसलिए स्कूल जो है 27 तारीख तक भी बंद रहेगा, लेकिन 17 तारीख से जो है कल से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। दिविशा तुम भी नहीं सोई है आज, तुम मेरा चश्मा के साथ क्या कर रही बेटी? तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुबह का मौसम अभी ऐसा है कि मेघ लगा हुआ है और बारिश भी हो रही थी थोड़ी देर पहले और अभी भी होगी, क्योंकि मेघ अच्छा खासा लगा हुआ है, मौसम बिल्कुल ठंडा है। संतोष पहले ही सुबह उठ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, और यहाँ बाबू लोग जो खिलौना खेल रहा था उसको समेट रही है, इधर बाबू लोग सोया हुआ है। तो अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है और ज़ोरदार बारिश हो रही है, कैमरा में समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हमको अभी ड्यूटी भी जाना है, मुश्किल हो गया। चलो संतोष हम निकलते हैं, ठीक है? ठीक। तो नीचे में एक भैया बाइक से जा रहा है, उन्हीं के साथ चले जाते हैं, बारिश भी हो रहा है हल्का हल्का, ठीक है? हाँ छाता निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम पहुँच गए हैं, बाइक लगा के आ रहे हैं। तो बॉडी ड्यूटी था, चले गए सुबह सुबह, बाबू लोग सब सोए हुए थे, तो शिवम अभी उठ के मुँह हाथ धो के ब्रश होके तैयार हो गए हैं, और 8-9 बजे से उसका ऑनलाइन क्लास चालू होगा। हम आज वीडियो बना रहे हैं, वो तो वीडियो बना पाएंगे नहीं, वो ऑफिस चले गए हैं, वो 2 बजे ही आएंगे, और हमको भी सर्दी लग गया है इसलिए थोड़ा आवाज ही लग रहा है। बाबू का क्लास चालू होगा इसलिए हम फटाफट सारा काम वूम करके नहाने चले गए, नहा के आए, अब पूजा कर रहे हैं, पूजा वूजा करके तब बाबू को थोड़ा और नाश्ता वास्ता खिला दे। अरे यहाँ बैठ के देखो मिट्टी घाट रहा है, उसको मना नहीं कर सकते हैं आप, नहीं आता है। दोनों बाप बेटी यहाँ बैठ के सूत उठ के यहाँ बैठा है एकदम, उसका यहाँ बैठने वाला बोले ना को तख्ता लगा दीजिएगा तब उसको बैठने में बढ़िया होगा। अच्छा अच्छा बोल रही है बाबू, नहीं करो तख्ता, कैसे बैठी बता दो, इतनी तो जगह में वाला बैठा जाए। बैठ जाता है। जबरदस्त है, मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। है भी कितना, 100 ग्राम का तो है ये, तो चाय पिएगी, चाय 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 पिएगी, हाँ चाय बनाते हैं, चलिए चाय बनाते हैं। और दोनों भाई बहन अभी खेल रहा है, क्या खेल रहा बेटा? रेलगाड़ी। और संतोषी भी आ गई है चाय लेकर के, पहले पानी पी लिया जाए, यहाँ रखो, हाँ तुम ले लो तुम्हारा, तुम्हारा आँख कैसा हो गया, लाल लाल आँख हो गया। अब इस घर से चिल्लाने का आवाज आ रहा है बार बार, प्रसादी मांग रहा है, लगता है हम प्रसादी ले रखे हैं, बोल के रखे हैं यार, प्रसाद। क्या हुआ शिवम, क्या प्रसाद खा रहा है तुम? देखो देखो दोनों भाई बहन को देखिए, हाँ मुझे तो 10 प्रसाद चाहिए 10। तो शिवम को अभी पढ़ाया जा रहा है, आज से इसका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया, फिर से होमवर्क दिया गया है तो वही करवाया जा रहा है, 1 2 3 4 5 तक इसको याद करवाना है, एग्जाम में भी यही पूछेगा। और यहाँ दिविशा इसका जो काम है, नहीं करो ऐसे बेटी, नहीं करो, ओ छोड़ दो छोड़ दो, आ तुम मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। तो
शिवम यहाँ पीछे पढ़ रहा है। और इस वीडियो को भी यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा।